हाँ जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारे नू। तो एक बहुत वड्डी खुशखबरी जो आ रही है ETT दे कैंडिडेट वास्ते, तो 6000 तो होर ज़्यादा पोस्टा आ गई हैं। तो अगर तुम 994 अप्लाई नहीं की सन, तो 6000 पोस्टा भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किस तरह करना है, की रिक्रूटमेंट है, किस तरह का नोटिफिकेशन है, वह पूरा देखने लिए तुम वीडियो लास्ट तक देखो। और ऑनलाइन जो है कल तो अप्लाई शुरू हैं, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, जो तुम कमेंट कर दो। हूँ देखो पूरा नोटिफिकेशन वीडियो की है। तो ये हमारे पास KVS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है, ये देखिए आप, डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फॉर प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, KVS इसका जो है आपको देख रख सकते 25 रीजनल ऑफिस है, आगरा अहमदाबाद, ये पूरा देश में फैला हुआ KVS है। और इसका हम जो वैकेंसी है उसकी आप बात कर रहे हैं, टोटल वैकेंसी है 6414 वैकेंसी है। और हम इसके जर्नल की बात करें तो 2599 वैकेंसी है, और OBC की बात करें 1731 है, SC की बात करें 962 है, ST की बात करें 481 है, EW एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 641 है, और OH जो ऑर्थो होंगे हैं जिन्हों के कोई अंग पैर में नुक्स होंगे है आप आज उन्होंने 97 है, विजुअल मतलब जिन्हों के अखा चो कोई प्रॉब्लम है 96 है वह, और जो सुनने वाले की 0 है, मतलब जो कि कन्ना च प्रॉब्लम उन्होंने वैकेंसी नहीं है। तो हूँ इन आप गल करते हाँ अगो होर, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मे बी इनक्रीज़ और डिक्रीज़, ये कदे भी इनक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे रहा। तो इस तो बाद कहें जी जो इन रिजर्वेशन है SC ST OBC एक्स और इकनोमिकल वीकर सैक्शन और फिजिकल हैंडीकैप्ड की, वो गोरमेंट के जो रूल हैं उन्होंने अनुसार ही है। तो इस तो बाद वूमेन कैटेगरी की भी जो रिजर्वेशन है वो भी दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन मतलब एज जो है SC ST और OBC ली, ये जो प्लस पॉइंट होंगे है मतलब 5 साल इन्हों की वध एज होंगी है जॉब भरने लिए। तो पे की गल करिए 35400 तो 1,12,400 है, ये किस तरह होंगी है, बेसिक पे 35000 है, इस तो बाद DA 38% जोड़ के मतलब 50000 प्लस ढाई टप पी कि भी तुम जॉब करो। इस तो बाद XYZ का HR अलग तो होंगे है, वो सैलरी की एक अलग तो वीडियो बना देवगा उसका, अगर कमेंट करके दस्यो। अपर एज की गल करिए 30 साल है जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी गल कर रहे हैं, ये होर जो है SC BC लिए वो अगे तुम दस्या होगा 5 साल जो होंगे रिलैक्सेशन वो अगे तुम दसते हैं। उस तो बाद गल करिए क्वालिफिकेशन की, तो सीनियर सैकेंडरी के नाल ही एटलीस्ट 50% नंबर के हिसाब न ही सीनियर सैकेंडरी मतलब प्लस टू होनी चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन जिसनों आप DLED कहने हाँ, DLED होनी चाहिए। कई थावे तेन JBT ETT का नाँ दिता जाता, BTC BSTC का नाँ दिता जाता, तो अलग अलग स्टेटा इसका अलग ही नाम है, पर यह प्रायमरी कोर्स जिसनों डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन कहा जाता है ये होना चाहिए जी। उस तो बाद जो फिर तुम डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाला भी भर सकता है, एक डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन होंगे, या फिर 4 साल वाला जिसने एलीमेंटरी एजुकेशन बैचलर डिग्री की हो एलीमेंटरी एजुकेशन तो वह भर सकता है। इस तो बाद इन जो BEd वाले हैं वो भी एलीजिबल हैं, ग्रेजुएशन 50% के नाल BEd जिन्हें कंप्लीट है वो भी भर सकते हैं। इस तो अलावा इन्होंने गल की है कि ढे को एक पहली तो 5वीं क्लास तक जो 1st to 5th class तक है, और ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ NCT ਵਿਦ 2 ਇਅਰ ਆਫ ਸਰਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो BEd की गल करते हैं, BEd कैंडिडेट जो भर सकते हैं, पर जो इसका डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का डिपेंडिंग है, और जो जिस हिसाब आया जाएगा उस हिसाब से दसया जाएगा। अरे ये उसके बाद में हमारे पास है एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट ST 5 ईयर का इनको शेड्यूल मिलता है, अदर बैकवर्ड की बात करें तो 3 साल का OBC को, और वुमेन आल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट जो वुमेन है उनको 10 साल का इन्होंने जो दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, और KVS एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है, मतलब कितनी भी एज वाला भर सकता है। उसके बाद सेंट्रल जो 3 मतलब जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं 3 साल से
उनके लिए 5 साल जर्नल के लिए, अगर आप कोई भी जॉब में काम कर रहे हैं आप जर्नल और 30 साल आपकी एज हो गई है लेकिन आपने 3 साल कोई गवर्नमेंट जॉब में काम किया है तो आपकी एज 35 तक हो सकती है, मतलब 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल गए। और OBC को 8 साल और SC ST को 10 साल मिलते हैं। पर्सन जो है 5 साल उनको मिलेंगे जो कि कश्मीर में 1-1-1980 को और 31-12-1980 के बीच में जो थे उधर में उनको मिलेंगे डोमिसाइल स्टेट ऑफ कश्मीर में। जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 15 साल 13 साल 10 साल SC को OBC को जो दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 8+8 साल है मतलब, और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 10 साल है। एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए ग्रुप 3 साल है, ये देखिए आप ये एक्स सर्विसमैन का है। उसके बाद हम बात करते हैं 26 तारीख इसकी लास्ट है फॉर्म फिल करने का, 26 तारीख लास्ट है, इससे पहले आप भरना है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आपके पास जो भी इन्होंने दिया हुआ 5 एकड़ ज़मीन इससे कम होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से जो प्लाट है वो कम होना चाहिए, ऐसे जो भी मेजरमेंट है आप देख लो, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो या नहीं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनना चाहिए फॉर्म फिल करने के बाद। मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसका रिटर्न और इंटरव्यू होता है उसका एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे, सिलेबस का अलग से उसके बारे में बताइए। अभी टेस्ट सिटी है जो हर स्टेट में 5-5 टेस्ट सिटी है, आप उनमें से जो भी आपका स्टेट है उसमें देखकर आप भर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमारे स्टेट में कौन सी है, आपको बता दिया जाएगा आपके स्टेट में कौन सी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर होगा। इसके बाद हम बात करें तो आप 3 एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हो, 1st, 2nd और 3rd, और ये आपको ज़्यादातर 1st चॉइस वाला ही सेंटर मिल जाता है, कभी ज़्यादा कैंडिडेट होने से 2nd और 3rd चॉइस वाला भी मिलता है। तो इसके अलावा में और मतलब कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। 5 तारीख को कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना वो आपको बता दूंगा। फ़ीस की बात करें तो 1500 रुपये है ये फ़ीस आपकी है जर्नल और OBC की, और SC ST की कोई फ़ीस नहीं है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस नहीं है। देखिए नो फीस फॉर SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, जर्नल और OBC की आपकी फ़ीस है। इसके बाद बात करते हैं यही लास्ट डेट 26 है और स्टार्ट तो 5 तारीख से ही है, और कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना यह आपको बता दिया जाएगा। अच्छा आपका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो 1000 रुपये आपको एक क्वेश्चन के लिए देना पड़ेगा आंसर की को, मतलब आपको सही करने के लिए उसको डाउट को, आपको लगता है कि ये आंसर सही है अकॉर्डिंग टू कोई भी आप बुक या कोई भी है तो आपको जो उनको सेंड करोगे तो 1000 रुपये आपको एक क्वेश्चन के रिव्यू के लिए देना पड़ेगा। तो ये भाई जो गवर्नमेंट लूट रही है आपको पता ही है जो चल रहा है देश में सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और KVS की जो भी ETT की जो भी DLED की वैकेंसी आती है वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।